सो गाइस आज मेरे पास दो एक्शन कैमराज हैं और आज दोनों एक्शन कैमराज को मैं टेस्ट करने वाला हूं और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा कैमरा लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू गाइस हैव गिवन मी। और मैं थैंक यू किसके लिए बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं मैं इसके लिए, YouTube से हमें आ चुका हमारा सिल्वर प्ले बटन और मैं आपको दिखा देता हूं। ये है अपना सिल्वर प्ले बटन और इसके ऊपर लिखा है प्रेजेंटेड टू ड्रीम चेजर फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। सो गाइस आज के वीडियो का टॉपिक है कौन सा एक्शन कैमरा लेना ठीक रहेगा। एक्चुअली जब भी मैं वीडियोज बनाता हूँ ना, आप मुझसे एक क्वेश्चन रेगुलर हर वीडियोज में पूछते हो कि यार आप कौन सा एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो या कौन सा एक्शन कैमरा आप सजेस्ट करते हो। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ GoPro का Hero 7 और आपने अभी मेरी जो लद्दाख सीरीज देखी थी उसमें मैंने GoPro 7 से ही सारा शूट किया था। और एक और जो मेरा सेकेंडरी एक्शन कैमरा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो ये है मेरा सेकेंडरी एक्शन कैमरा, ये है GetUp Get 3, अभी मैंने लद्दाख से जाने से पहले ही यूज़ किया था और जितने भी आपने मेरी बी रोल की फुटेजेस देखी थी वो इसी कैमरा से देखी थी। और मैं सोच रहा था पहले इसका यार एक अलग से वीडियो बना दूं और उसको बनाने से पहले ही बैंगलोर से मुझे एक ही एक्शन कैमरा आ गया, ये है इकेन का H6S 4K एक्शन कैमरा है। सो मैंने सोचा यार चलो एक कंपैरिजन वीडियो बना दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कौन सा एक्शन कैमरा आपको लेना चाहिए। देखो अनबॉक्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इसके अंदर जितने भी माउंट्स होते हैं सेम होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है हमारा इकेन का कैमरा और ये है हमारा GetUp Get 3 जो मैंने अपना यूज़ किया था। और स्पेसिफिकेशंस छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो ये अपना GetUp कैमरा है ये टच स्क्रीन कैमरा है, ये जो कैमरा है इकेन ये टच स्क्रीन नहीं है। इसके अंदर हम एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक लगा के जैसे हम GoPro में करते हैं, इसमें वो फिलहाल में फीचर नहीं दे रखा। ये 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है और फुल HD पे 60 फ्रेम पर सेकंड, सेम ये भी वही करता है 4K 30 फ्रेम पर सेकंड और फुल HD पे 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दे रखी है। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों को टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करने का हमारे 3 स्टेप्स होंगे। सो गाइस पहला जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो व्लॉगिंग टेस्ट होने वाला है। दोनों कैमरा मेरे हाथ में होंगे, दोनों लेकिन मैं चलूंगा और देखेंगे किसी ऑडियो और वीडियो व्लॉगिंग करते वक्त ज्यादा अच्छी आती है। और दूसरा जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा डैश कैम टेस्ट। ये मेरा GetUp लगा हुआ है, वहां मेरा इकेन लगा हुआ है, तो हम एज अ डैश कैम इसको यूज करेंगे और देखेंगे इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी और कितनी स्टेबिलाईजेशन है अगर हम इसे एज अ डैश कैम यूज करते हैं तो। और जो तीसरा हमारा स्टेप होगा वो होगा मोटो व्लॉगिंग का, हम इसको हेलमेट पे लगाएंगे और इसको ट्राई करेंगे कि कैसी ऑडियो और वीडियो आती है। तो गाइस ये तो हुई हमारी एक्शन कैमरा की बात। और आप लोगों ने मुझसे जो एक और क्वेश्चन बहुत पूछा, वो पूछा कि मैं इतनी लंबी जब राइड करता हूँ तो मैं कितनी बैटरीज लेके जाता हूँ जो मैं इतने सारे एक्शन कैमरा चार्ज कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास GoPro की खाली एक ही बैटरी है, मेरे पास GetUp की खाली ये जो एक बैटरी आती है वही बैटरी है। अगर आपने मेरे फुटेजेस में देखा होगा कि मेरे कैमरा के साथ एक वायर जा रही होती थी, तो मैं आपको बता दूँ तो एक ये पावर बैंक था जो मैं यूज़ कर रहा था अपनी लद्दाख की राइड पे और ये है Zap का पावर बैंक। एक्चुअली मुझे Zap ने भेजा था तो मैंने सोचा यार एक बार पहले मैं इसको यूज़ करूँगा उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो 100% रिकमेंडेड है, मैं लद्दाख की राइड पर इसको यूज़ कर चुका हूँ, इसको मैं डेली रूटीन में इस पावर बैंक को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। 9100 mAh की बैटरी के साथ है, छोटू सा है, वेट भी नहीं है ज़्यादा, अपनी पॉकेट में रखा और मैं चार्ज कर लेता था अपनी पूरी राइड पर और आने वाली राइड्स पर भी मैं यही करने वाला हूँ। सो ये तो हो गई सारी बातें अब इन चीज़ों की, अब करते हैं कंपेरिजन वीडियो स्टार्ट। सो गाइस अब हमारे व्लॉगिंग टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अभी जो आप फुटेज देख रहे हो वो देख रहे हो GetUp Get 3 से और कलर कंट्रास्ट देख लेना कैसा आ रहा है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और अभी आप फुटेज देख रहे हो इकेन 4K की देख रहे हो, 6S जो है, और इससे भी आपको स्टेबिलाईजेशन पता लग जाएगी। कलर आप देख लेना किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। GetUp Get 3 बहुत लाइट फील कर रहा है और इकेन भी बहुत लाइट फील कर रहा है, दोनों को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अभी धूप भी है तो एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कैसी फुटेज आ रही है। जो अभी आप फुटेज देख रहे हो वो देख रहे हो GetUp Get 3 की, मैं एक पार्क में आया हूँ, थोड़ा धूप का टाइम है तो इसमें आपको कलर्स भी ज़्यादा समझ आ जाएंगे। और अब इकेन 4K 6S से रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब आपको पता लग रहा होगा कैसे कलर्स आ रहे हैं, कैसी मेरी ऑडियो आ रही है। तो क्योंकि ऑडियो बहुत ज़्यादा मेन है। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर तो इससे भी आपको पता लगेगा कि किसकी ऑडियो ज़्यादा अच्छी आ रही है। और बहुत ज़्यादा धूप का टाइम है तो मुझे लगता नहीं कैसी दोनों साइड से, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से, बार बार दिखा रहा हूँ, एक बार इस साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता लग जाएगी
हाँ यार, अगर आप धूप में भी व्लॉगिंग करते हो तो कैसी लाइट पड़ती है, अंधेरा आता है ज़्यादा वीडियो में, और मेन है ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। अभी हम रनिंग टेस्ट करने वाले हैं इसका, तो अब मैं इसको लेके एक बार भाग रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा होगा किसकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी है और किसकी स्टेबलाइजेशन कम अच्छी है। तो अभी तो खाली मेरे ये हैंड हेल्ड था, अगर मैं इसको गिम्बल में या फिर सेल्फी स्टिक पे लगा के चलूँ तो स्टेबलाइजेशन और डेफिनेटली वीडियो की बढ़ जाएगी, तो वो भी हम करेंगे, देखते हैं अभी। तो अभी जो वेदर हो गया थोड़ा क्लाउडी भी हो गया है, धीरे धीरे बारिश भी आई थी, अभी तेज आ गई थी और धीरे हो गई अभी, तो ये भी ठीक है यार। सुबह आपको थोड़ा 10-11 बजे का व्यू भी दिखा दिया मैंने कैमरा कैसे रिकॉर्ड करता है, उसके बाद दोपहर का भी थोड़ा 2:30 से 3 बजे के टाइम आसपास मैंने दिखा दिया, और अब ये क्लाउडी वेदर में भी आप देख सकते हो यार फुटेज कैसे रिकॉर्ड हो रही है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कि आपको किसकी फुटेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं तो इसके बाद ही देखूंगा जब एडिटिंग करूंगा। अभी तो मुझे खुद नहीं पता किसकी फुटेज ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इकेन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कभी इकेन कैमरा यूज़ नहीं किया, सुना बहुत है और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इकेन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। गिटअप का मुझे पता है, गिटअप मैं 2017 में भी यूज़ कर चुका हूँ एक बार। तो गाइस जो अब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो देख रहे हो मेरे गिटअप गेट 3 से, और ये फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हो रही है और 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी आपको मैं नाइट फुटेज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं डे टाइम की फुटेज आपको दिखा चुका हूँ, तो आई थॉट यार ये बेटर रहेगा कि अब मैं आपको नाइट फुटेज दिखा दूँ। अभी मैंने गायरो जो है इसका स्टेबलाइजेशन जो मोड होता है वो ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं स्टेबलाइजेशन ऑफ करता हूँ तो व्यू ज़्यादा मिलता है, और अगर स्टेबलाइजेशन ऑन होता है तो व्यू थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है। तो मोटरसाइकिल के लिए जब भी होता है तो मैं बेसिकली यही प्रेफर करता हूँ यार, स्टेबलाइजेशन ऑफ रखूँ ताकि व्यू ज़्यादा आ जाए, बट मेरे पास GoPro Hero 7 है तो मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। तो ये सारी फुटेज है आप देख रहे हो यार नाइट टाइम में कैसी फुटेज आती है, और ऑडियो भी यस मैं बताना भूल गया, ऑडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं एक्सटर्नल माइक से कर रहा हूँ, ये गिटअप गिट 3 का ही मैंने परचेज किया था और उसी की ये ऑडियो आ रही है। तो आप देख लो यार ऑडियो भी कैसी लग रही है सुनने में, एक बार यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, तो आई होप ऑडियो भी ठीक आ रही होगी यार, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में देखा, अभी टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अभी इसकी ऑडियो टेस्ट नहीं करी है यार, मैं यूज़ तो काफ़ी दिन से कर रहा हूँ ये कैमरा, बट सेकेंडरी कैमरा के तौर पर यूज़ करता हूँ इसको, मैं कभी प्राइमरी के लिए यूज़ ही नहीं किया। तो ऑडियो आप देख लो यार कैसी आ रही है आपको, बाइक की स्पीड अभी 30 के आसपास ही चल रही है, और लाइट मुझे लगता है यहाँ है नहीं, ये भी अच्छा है लाइट नहीं है तो नहीं, लाइट तो होगी बट यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, ये भी अच्छा है कि यार आपको थोड़ा सा अंधेरे में भी व्यू दिख जाएगा कि कैसा आ रहा है। तो गाइस अब मैंने गिटअप इधर लगा दिया है अपने विंडशील्ड पे, और EKN जो है अपने हेलमेट पे माउंट कर लिया है, और हो सकता है अब आपको ऑडियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और मैंने वाइज़र भी एक्चुअली खोल दिया यार ताकि ऑडियो थोड़ी भी तो आ जाए, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं है, तो ऑडियो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर EKN में है तो यही है। बाकी इसके अंदर मैंने गायरो ऑफ कर रखा है, थोड़ा व्यू भी आपको दिख जाएगा, कलर देख लेना अंधेरे में कैसे फुटेज आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, वो भी आप देख लेना। एक बार मैं क्या करता हूँ वाइज़र बंद कर देता हूँ, मैं थोड़ा एक्चुअली लाउड भी बोल रहा हूँ ताकि ऑडियो आ जाए और बिल्कुल भी वीडियो ख़राब ना लगे, तो मैं एक काम करता हूँ मैं वाइज़र बंद करता हूँ और उसके बाद आप फुटेज देखो। तो अब देखो गाइस कैसी ऑडियो आ रही है, आई होप ऑडियो ठीक आ रही हो, थोड़ी आ रही हो कम आ रही हो मैं कह नहीं सकता, बाकी आप खुद देखो कैसा आपको अच्छा लगा कौन सा अच्छा नहीं लगा, कैमरा वीडियो क्वालिटी आपने दोनों की देख ली है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना यार कौन सा कैमरा आपको लगता है ज़्यादा अच्छा लगा आपको लेने लायक।
सो गाइज आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि कौन सा कैमरा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, गिटअप या फिर एकेएन के कैमरा। और आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यार मैं एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ पर पढ़ता ज़रूर हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन से कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा, आपको गिटअप ज़्यादा अच्छा लगा या एकेएन अच्छा लगा, कौन सा कैमरा आप लेना पसंद करोगे। तो विद दैट सेड गाइस यही था आज के वीडियो में, मिलता हूँ यार आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।